कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ हुई बर्बरता की घटना के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर बिहार शरीफ के चिकित्सकों ने भी 24 घंटे के लिए राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू कर दिया है। चिकित्सकों ने अपने अपने क्लिनिक बंद रखकर विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च में शामिल चिकित्सकों ने दोषियों को कड़ी सजा देने, चिकित्सकों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम बनाने और सभी मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में निवासियों के लिए सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। चिकित्सकों ने कहा कि इस तरह की घटनाएं पूरे चिकित्सा जगत के लिए अपमानजनक हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सक समाज सेवा के लिए समर्पित है और उन्हें सुरक्षित माहौल में काम करने का अधिकार है। पूर्ण रूप से हड़ताल में है, 24 घंटे तक पूरा एकदम क्लिनिक बंद है, इमरजेंसी छोड़ के सभी सेवाएं बंद है, ओपीडी बंद है, इसके साथ साथ फार्मा वाला भी बंद है, डेंटा वाला भी हम लोग के साथ है। और ये जो बंद है सिर्फ बिहार शरीफ का नहीं है, पूरा पूरा राष्ट्र पूरा देश का जो आईएमए है संस्था सब पूर्ण रूप से बंद का आह्वान किया है। देखिए हमारे यहाँ जितने भी हैं महिलाएं हैं सभी पर यहाँ पर आए हुए हैं, अत्याचार बंद हो, ये जो कितना घटना घटी है उसके विरोध में हम लोग प्रोटेस्ट आए हैं, डीएम को देने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग के जो मांगे हैं पूर्ति हो, उसको जो दरिंदे हैं जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उस पर लगाम लगे, उसको फांसी हो, तत्काल फांसी हो। बंगाल की सरकार से ममता रानी ममता जो बनर्जी है उसको भी हम लोग ये दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि अगर तुमने नहीं समझा तो पूरा बिहार पूरा राष्ट्र एक हो जाएगा और ईंट से ईंट बजा कर रख देगा, इसलिए उस दरिंदे को फांसी दो, जल्दी फांसी दो। सीबीआई के हाथ में चला गया है और मुझे आशा है कि यह दूध का दूध पानी का पानी करेगा। हम लोग सभी डॉक्टर एक हैं, एक रहेंगे। जे मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में जो एक ट्रेनी महिला चिकित्सक के साथ एक जघन्य अपराध हुआ है उसके विरोध में हम लोग विरोध मार्च निकाल रहे हैं। एक महिला चिकित्सक, एक चिकित्सक जो दूसरे का जीवन बचाता है, आज वो उसकी उसके साथ इस तरह का जघन्य अपराध होता है, ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। एक तरफ हम लोग बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं, स्वावलंबी बनाने की बात करते हैं, दूसरे तरफ एक बेटी के साथ इस तरह बर्बरता होता है, ये सभी सरकारों के लिए देश के लिए शर्म की बात है। हम लोग सभी चिकित्सा जगत के जितने लोग हैं चिकित्सक हैं सभी बहुत ही मर्माहत है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तरफ से इसके विरोध में विरोध मार्च निकाला जा रहा है और 24 घंटे का हम लोग का हड़ताल है जिसमें आकस्मिक सेवा छोड़कर सिर्फ आकस्मिक सेवा छोड़कर ओपीडी वगैरह नहीं बंद रहेगा, ना कि बिहार शरीफ, पूरा बिहार पूरा देश पूरा बंद है और हम लोग तब तक ये स्ट्राइक को जारी रखेंगे जब तक बिटिया को जब तक न्याय नहीं मिलेगा। और मैं यहाँ पे आया हूँ अभी डीएम ऑफिस के पास मेमोरेंडम देने के लिए कि हम लोग जो कलकत्ता में घटना घटी है मैं उससे हम लोग यहाँ पे काफी एहतियात हैं और हम लोग को सिक्योरिटी चाहिए। हमने बोर्ड में भी लगा के बैनर में भी लगा कर नो सर्विस विदाउट सिक्योरिटी, तो हम लोग को जब तक सिक्योरिटी नहीं मिलेगा हम लोग काम किसके लिए करेंगे? हम लोग कोई अलग जीव नहीं है, हम लोग भी इसी तरह का जनता है और सरकारी सरकारी सारे संस्था बंद किया गया है, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, कॉर्पोरेट हो या छोटा मोटा क्लिनिक हो, सब तरह से बंद किया गया है।